जबलपुर नगर निगम अपनी कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा ही विवादों में रहता है। इस बार निगम ने जल वसूली के लिए ऐसे उपभोक्ताओं को 17 साल का बकाया 32,000 का बिल थमा दिया है, जिनके घर में नल के कनेक्शन तक नहीं है। भैया देखे, नल के लिए उन लोग छेक रहे हैं कि नल है हमारे पास, लेकिन हमारे पास नल नहीं है। भूकंप के समय से नल हमारा खत्म हो गया, कट गया। कटने के बाद में कोई न रसीद न वसीद हमारे पास कोई नहीं आता। हम लोग यही पानी पीते, अपना ये जो बोरिंग कराए हैं यही पानी पीते हैं। हाँ, हमारे घर में बोरिंग है, तब से हम पानी पी रहे 10 साल हो। 32,000 रुपये मांग रहे हैं उन लोग कि 32,000 रुपया आपका तब से जुड़ रहा है। अब हम क्या करें बताइए, कहाँ से दें? जब नला भी नहीं है तो का नल वाले आए एक दो बार, हम लोग ने बोले भैया नल पानी नहीं आता है, तो हमारे आदमी ने जाके कटवा दिए, उसके बाद खत्म हो गए। हाँ, भूकंप के पहले कट गया नल हमारा। नल कनेक्शन के बिल देने के बाद अधिकारियों द्वारा बाकायदा कानूनी कार्रवाई की धमकी तक दी जा रही है। इस मामले में जब निगम के उपयंत्री से पीड़ित परिवार ने मामले में शिकायत की तो उनका कहना था कि बिल जल विभाग की तरफ से नहीं बल्कि राजस्व विभाग की तरफ से भेजा गया। उन्होंने कहा कि इस बिल के संबंध में जल विभाग को कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में जल प्रभारी का कहना है कि राजस्व अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की लापरवाही की वजह से बल्कि ऐसे 5,000 से लेकर 10,000 तक के उपभोक्ता हैं जिनकी तरफ से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। निश्चित रूप से जबलपुर शहर में चाहे संपत्ति कर हो चाहे जल कर हो, उसको दुरुस्त करने के लिए कई बार MIC के हमारे जो साथी हैं माननीय महापौर जी ने भी नगर निगम के अधिकारियों को आदेशित किया था कि चूंकि हमारे पास में जो विलिंग करने का जो है जो सॉफ्टवेयर और उसके अलावा भी जो जोनों में व्यवस्था है, जिसके यहाँ नल भी नहीं लगा है, उसके यहाँ भी लगभग 32,000 का या 35,000 का बिल आ जाता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही वो गलत चीज़ है कि एक व्यक्ति के यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है लेकिन उसके यहाँ बिल का 32,000 का आना राजस्व विभाग के अधिकारियों को, चूंकि आपने ये मामले को संज्ञान में डाला है, हम राजस्व के जो अधिकारी उनकी जानकारी में देंगे कि इस प्रकार से जो भी और इस प्रकार से लगभग जबलपुर शहर में 10 से लेकर 5,000 हैं हमारे करदाता, जिनके कारण कहीं ना कहीं बिलिंग में गड़बड़ी हो रही है। उसका कारण जो प्राइवेट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर लगे उनकी त्रुटि के कारण इस प्रकार की गलतियाँ हो रही हैं। हम निश्चित रूप से आपके ने चूँकि हमको यह मामला संज्ञान में दिलाया है, मैं नगर निगम में आयुक्त जी भी अभी खड़े उनसे भी चर्चा करूँगा और राजस्व अधिकारियों से भी करूंगा कि इस प्रकार की विलिंग जिससे अपन पानी ले रहे हैं या जिसका संपत्ति कर में जुड़ा है उसी से राशि ली जाए और इस प्रकार के किसी को दोबारा भविष्य में बिल न पहुंचाया जाए। जबलपुर से EMS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।